नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि दिव्य वृक्क दोषहर कवाथ के बेनिफिट्स के बारे में, फ़ायदे के बारे में। दिव्य वक्र दोषहर कवाथ जो होता है, ये गुर्दे संबंधी समस्याएं या यूटीआई की समस्या के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर ढाक, पुनर्नवा, मूल, वरुण, कुलथी, कासनी, पीपल, नीम, मकोई, गोकरू, कमासा, कुशकांश, धान, काफ़ी सारी चीज़, शतावरी, बलाविदारी, कटेरी, जो कुटकी आदि मिलाया गया है। तो कई सारी, बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं। तो ये काम क्या करता है दोस्तों, ये अगर किसी को यूटीआई की समस्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन, खुजली, इचिंग हो रही है, पेशाब पीला आ रहा है, कई लोगों को पेशाब में प्रोटीन आने की समस्या रहती है, ठीक है, और कई लोगों को पथरी की समस्या भी हो जाती है। तो कई लोगों को अगर छोटा पथरी का साइज है, तो उस पथरी को साइज़ को और छोटा करने में भी ये मदद करता है। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से इसे लेना चाहिए। पेशाब के रोग, पेशाब में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और पथरी के अंदर, किडनी की पथरी, किडनी स्टोन में इसको बताया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है। तो इसका काढ़ा बनाकर बताया जाता है, ओके। तो इसको काढ़ा बनाने का जो विधि है, 5 से 10 ग्राम कवाथ के चूर्ण को आप 400 मिलीलीटर पानी के अंदर डाल लें और उसे पकाएं। 100 मिलीलीटर शेष रहने पर उसे सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है, उसे ठंडा करके छलनी से छान करके, जो 100 मिलीलीटर है तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, ऐसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस औषधि को लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही।